अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटा पब्लिशर, माई सेल्फ सफिया बानो। टुडे वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन, व्हाई डू वी सी ओनली वन फेस ऑफ द मून। इन दिस वीडियो वी कैन सी दिस क्वेश्चन, व्हाई डू वी सी ओनली वन फेस ऑफ द मून। इसका मतलब ये है कि हम जो देखते हैं मून का एक ही फेस, वो क्यों देखते हैं? हमें जो नज़र आता है आसमान पर, वो एक ही फेस होता है मून का, वो हम क्यों देखते हैं? तो आइए हम उसकी रीज़न देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास मून है क्या। मून बेसिकली स्फीयर है, तो ये अर्थ के अराउंड रोटेट करता है और अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता है। ये जब अर्थ के अराउंड रोटेट करता है तो हमारे पास कितना टाइम लगाता है? 27.3 डेज। और ये जब अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है तब भी ये 27.3 डेज ही लगाता है। ये हमारे पास है डायग्राम, ये है इसकी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन, और ये हमारे पास है अर्थ के अराउंड रोटेशन। दोनों रोटेशंस में फेजेस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और टाइम दोनों का सेम ही लग रहा है। दिस मीन्स दैट ऑल्दो द मून इज रोटेटिंग, मतलब ये है कि हमारे पास मून रोटेट कर रहा है, इट ऑलवेज कीप वन फेस टूवर्ड अस, जिसकी वजह से हम इसका एक ही फेस देख सकते हैं। इसकी रोटेशन को हम क्या नाम देते हैं? सिंक्रोनियस रोटेशन। दिस इज़ वाई वी ओनली एवर सी द मून नियर साइड फ्रॉम द अर्थ, जिसकी वजह से हम उसकी नियर साइड ही देख सकते हैं। अर्थ से जो फेस नज़र आ रहा होता है हम उसे क्या कहते हैं? नियर साइड फ्रॉम द अर्थ, तो हम वही देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है और ये हमारे पास मून की सरफेस है, और इसका जो निचला पार्ट है ये हमारे पास क्या होगा? अर्थ की नियर साइड पे होगा, नियर साइड मून, इसे क्या कहेंगे? नियर साइड ऑफ द मून। ऑन अर्थ वी कैन सी सिमिलर फीचर्स ऑफ द मून सरफेस सिंस द मून रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। मतलब ये कि हमारे पास जब मून अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा होगा या रोटेट कर रहा होगा तो हम क्या करते हैं? उसकी एक ही सरफेस देखते हैं अर्थ से या अर्थ पर। इट इज़ स्पिनिंग इन द सेम लेंथ ऑफ द टाइम दैट इट टेक्स टू ट्रेवल अराउंड अर्थ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 27.32 डेज। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास उसकी जो अर्थ के अराउंड स्पिनिंग है या रोटेटिंग है वो भी 27.32 डेज में कम्प्लीट होती है, और जो उसकी अपने एक्सिस की गिर्द रोटेशन होगी वो भी 27.32 डेज में कम्प्लीट होती है वन रोटेशन। ये हमारे पास एट नाइट फिगर दिया हुआ है कि मून ऐसे दिखाई देता है। ये बेसिकली है क्या? स्फीयर। इसका सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का रेडियस जो होगा इक्वल होगा किसी भी पॉइंट का। उसके आगे हम देखते हैं इन डायग्राम्स में, हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो कौन सी फोर्स है जो मून को क्या कर रही है? सिंक्रोनियस रोटेशन करने पर मजबूर कर रही है। तो वो हमारे पास कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि अर्थ एग्जर्ट कर रही है मून के नियर साइड पे। नियर साइड पे ही हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि मून के डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट फोर्स अप्लाई हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट अप्लाई हो रही है, और हमारे पास इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो दरमियान में ही होगा, क्योंकि मून एक स्फीयर है तो उसका सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का रेडियस इक्वल होता है, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है और कौन सी हो रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ इज इक्वल टू gmm/r², ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास इसकी रोटेशन क्या होगी? सिंक्रोनियस रोटेशन होगी। और अगर मून हमारे पास तेज़ी से स्पिन करता है तो वो इस लाइन से हट जाता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हट जाता है, तो अर्थ क्या करती है? रिवर्स टॉर्क अप्लाई करके उसे दोबारा इसी पॉइंट पे ले आती है। तो इस वजह से हमारे पास सिंक्रोनियस रोटेशन होती है, जिसमें हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल मोशन इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ स्पिनिंग मोशन होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ही फेस नज़र आता है मून का अर्थ पर। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।